हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएनए व्लॉग्स। दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे। ऑब्वियसली अभी मेनी पीपल नो मी फ्रॉम द अपाचे ग्रुप एंड ऑल। सो एट द बैकड्रॉप यू कैन सी माय अपाचे। इट हैज़ बीन लाइंग इन दैट कंडीशन फॉर ऑलमोस्ट 2 months नाउ और मोर, मे बी मार्च एंड से वैसे ही खड़ी है बिकॉज आई वॉन्टेड टू चेंज दी हैंडल। नाउ हैंडल में क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं पूरा वीडियो देखना। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वॉट आई हैव डन, वाई आई हैव डन इट। ये जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ आपको सेम फॉलो करने हैं फॉर द बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आपको मैं आगे बताते जाऊँगा क्या क्या चीज़ें हैं। सो राइट नाउ यू कैन सी द होल फ्रंट स्टफ इज़ ओपन। ये ऑलमोस्ट 2.5 महीने से खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे जो ये पार्ट है अपना टी का टॉप, टी तो नहीं है, टी तो नीचे वाला होता है, ये टी का टॉप है। यहाँ पे जब यहाँ पे अभी क्लिप ऑन हैंडल्स बैठते हैं तो इसमें मुझे 2 होल्स करने थे। ये आपको मार्क वगैरह करके आप परफेक्ट होल्स कर लेना, लेकिन आपको ये एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू गेट इट फिल्ड फ्रॉम बिहाइंड विथ एल्यूमिनियम। तो ये मेरा बेस पार्ट जो मेरा वेंडर था उसने सिर्फ इतना पार्ट किया था और उसने 2-3 बार गड़बड़ भी कर दी थी। तो ये वाला पार्ट आपको एल्यूमिनियम से फिल करना है। ओके, यू हैव टू एड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड ही वॉज नॉट रेडी टू फिल दिस पार्ट्स। सो आई फिल्ड इट विथ MCL टू मेक इट स्ट्रॉन्गर। I know MCL is not going to stay that strong, but for you guys, if you can get it filled up, you know, इसका जो floor level है, इस bolt का जो floor level है, ये और यहाँ पे एक edge आता है, ये पूरा एक level में fill कर लेना, उसके बाद ये holes करवाना। You can see that it is a very shabby work in my case. Now this I am doing it for R&D. If it works fine, I'll purchase a brand new one and then get it filled and then start using it. So remember that whoever does the filling of this part at the back side with aluminium, मेक श्योर ये पूरा ज़्यादा गर्म ना हो जाए यूनिट। अगर ये पूरा गर्म हो जाएगा तो दिस एजेस जो है दे डीफॉर्म, ओके, दे वॉर्प, दे टर्न टूवर्ड्स इनसाइड एंड ये ऐसे आपको फिटिंग में इश्यूज आएंगे। ओके, इट इज़ नॉट ईजीली स्लाइडिंग इन नाउ बिकॉज इफ़ यू सी फ्रॉम दिस साइड, इफ यू कैन सी, हाँ अभी देखो यहाँ पे गैप है बिटवीन द सस्पेंशन एंड दी टी टॉप। इधर देर इज़ नो गैप। ओके, यू कैन सी द लाइट बिलो। सेम वे हेयर, ओके, यू कैन सी देर इज गैप ओवर हेयर। ओके, इन दिस कॉर्नर देर इज़ गैप एंड देर इज़ नो गैप हेयर। सो हुएवर फ्रॉम हुम एवर यू आर गेटिंग दिस फील्ड, जिसके पास से भी भरा रहे हो, मेक श्योर ये ज़्यादा गर्म ना हो। और अगर ये गर्म हो भी जाता है, ओके, तो इसको ठोक के बाहर नहीं निकालना है। इसका मैं प्रोसीजर दिखाता हूँ आपको। सो यू नीड टू टेक अ हीट गन एंड इसको भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बहुत मिनिमलिस्टिक यूज़ करना है। वार्म दिस पार्ट ओवर हेयर, ओके, डू नॉट वार्म इट टू मच बिकॉज सस्पेंशन के अंदर आपका यहाँ पे ऑयल सील्स रहते हैं विच विल गो बैड। योर टैंक कैन ऑल्सो मेल्ट इफ़ यू पुट इट टू मच। सो यू हैव टू हीट दिस, ओके, वंस यू हीट इट टेक अ स्क्रू ड्राइवर और समथिंग लाइक दिस एंड यू नो सेपरेट दिस आउट एंड देन slightly hammer it and put it in. Now I'm not going to record this whole session while doing it because I don't want to kuch gadbad nahi karna hai. I want to focus fully on putting the part back because if it breaks it is going to screw my life. Now I have installed that, it has gone inside. If it is way too tight for you, andar mat dalna, don't hammer it because you're going to spoil this top cover of your suspensions where you know the adjustability comes. Iska kharcha aapka badh jayega. Best would be to easily align that first, you know, first only align these holes and all outside, expand this whenever, whatever, how much ever you want, expand it outside and then glide it inside. If you don't have a heat gun at home, you can put it in hot water, hot boiling water, this part, only this part you should put and then adjust it and then put it here, okay. You cannot heat it with jo welding ka gun aata hai, usse heat wagar mat karna, it will melt. Okay, you have to use mild heat, not heavy heat. So finally I've got time and I'm at SK today. I got all the parts for the handlebar and we'll start dismantling it. We've dismantled everything, sab nikal diya hai, yahan ka bar end bhi nikal diya hai, switch bacha hai, is side ka Harish ne sab kuch nikal diya hai, ab ye do screws nikalenge last mein so that handles can come off. Both the clip-ons are out. ये राइट साइड का एक्सीलेटर साइड, लेफ्ट साइड का वी हैव गॉन टू रिमूव द हैंड बार ऑफ द ग्रिप, द थ्रॉटल ग्रिप, जो लेफ्ट हैंड साइड का, नॉट थ्रॉटल बट द लेफ्ट हैंड साइड का, वो निकालने का। एंड नाउ वी स्टार्ट असेंबलिंग द प्रोसेस।
let me show you what all I've got. Let me check, show you all the parts. Here is the main handle holder. This is the handle that I've purchased. Okay, and the part number is here. This is the old pricing. I'm not sure about the new pricing. For latest pricing, you can go to 99rpm.com and वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. लेकिन वहाँ से परचेस मत करना unless you are ready to wait for a lifetime. Returns का गारंटी नहीं है, parts पूरे आएंगे नहीं आएंगे उसका गारंटी नहीं है. Plus refund मिलेगा नहीं मिलेगा, उनका coupon मिलेगा, वही फिर से invest करना पड़ेगा. So this I've gone and purchased from Sai Service Bajaj, Fugewadi and around. उनके पास जहाँ से जो जो parts मिलता गया, I started collecting them one by one. And then I started working on the T. Okay, now apart from that, you also need this lower part to hold the handle and the top part to hold the handle. Okay, so this when we disassemble this and continue, वो तब आपको दिखाता हूँ. बजाज में इधर रबर्स भी लगते हैं एक्चुअली डोमिनर के अंदर ऊपर और नीचे. सो दिस रबर्स फोर आई कुड नॉट फाउंड, प्लस दिस डायमीटर ऑफ दिस रबर इज़ वेरी 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 काइंड ऑफ यू नो थिक. एंड इसके थिकनेस का यहाँ पे होल करना मैंने ज़रूरी नहीं समझा. आई मीन इट वुड हैव ईटन अप लॉट ऑफ डायमीटर. इफ़ दिस सेटअप डज नॉट वर्क आउट फॉर मी, प्रोबेबली नेक्स्ट टी दैट आई परचेज, नेक्स्ट टी टॉप जो मैं परचेज करूँगा इम्प्रूवमेंट्स के लिए, तो उस टाइम पे आई विल प्रोबेबली मेक बिग होल्स एज दिस. एंड दिस वन ऑल्सो इज़ राइट नाउ अ लिटल ऑफ सेट, इट इज़ डाउन एंड आउटसाइड, दिस वन इज़ इनसाइड एंड अप. सो आई मेड यू नो, आपको यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे R&D हुआ है इसके होल्स पे, दो बार होल भर के फिर थर्ड टाइम परफेक्ट हुआ है. नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ क्लोजेस्ट मैच, क्लोजेस्ट फिट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट फिट. बट इसका गाड़ी चला के वगैरह बाद में मैं आपको ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ. सो यू एट द एंड ऑफ द वीडियो यू ऑल्सो सी माई फीडबैक वेदर यू शुड डू इट और नॉट डू इट. तो ये रबर्स फिलहाल के लिए मैं साइड में रखने वाला हूँ. ये मेरे पास कुछ हैंडल बार राइजर्स के लंबे बोल्ट्स है, वो भी अभी नहीं लगने वाले. ये सब एक्स्ट्रा बोल्ट्स मैंने कलेक्ट किए थे वाइल कलेक्टिंग द स्टाफ, वो अभी नहीं लगने वाले हैं. बार एंड मैंने डोमिनार का ही ख़रीदा है, ये 2019 ऑनवर्ड्स का बार एंड है. दिस इज़ द पार्ट नंबर एंड द कॉस्ट. ओके, ये एक साइड का, ये दूसरे साइड का LHRH. एंड इसके दो लंबे बोल्ट्स तो लगने वाले हैं, वो ये रे, दिस आर अप्रॉक्सीमेटली 2.5 इंचेस विच विल रिक्वायर फॉर दिस. एंड दिस वंस आई कंसल्ट सुशांत, मैं आपको बताता हूँ कैसे असेंबल करने वाले हैं. सो दीज आर ऑल दी पार्ट्स दैट यू विल नीड फ्रॉम बजाज. ओके, ये बॉटम होल्डर है, ये टॉप होल्डर है. इन सब के पार्ट नंबर्स आई विल ट्राई टू लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, के एक लिस्ट कर दूंगा. ये कप होल्डर्स आपको लगेंगे, कप वॉशर्स टाइप हैं जो रबर्स को होल्ड करते हैं. ये चार लगेंगे, ये चार बोल्ट्स लगेंगे जो ऊपर से जाते हैं. ये ऊपर का टॉप कवर है. बजाज के ओरिजिनल बोल्ट्स इतने लंबे आते हैं. ओके, दिस मस्ट बी अराउंड 4 inches or something, and this must be around 3 inches approximately. I don't have something to measure now, but this is the length, 4 fingers approximately. अगर मैं लेंथ मेजर कर पाऊँगा तो आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बाद में. ओके, ये दो नट्स हैं जो मेरे को घर पे ही मिल गए थे. बोथ आर डिफरेंट, बट दोनों से काम चल जाएगा अभी के लिए. सो दीज आर ऑल दी पार्ट्स दैट विल होल्ड दी हैंडल इन प्लेस ऑन दिस टी. अब इसको असेंबल कैसे करने वाले हैं? आइडियली नी नीड मोर रबर्स, इधर सेम यू नो आइडेंटिकल सेम वंस और दिस वन. तो अभी मेरे पास ये दो मिले हैं, ये दो मिले हैं. सो आई एम गोइंग टू यूज़ द सिलिकॉन रबर्स, ये मेरे जाना के क्रैश गार्ड के रबर्स हैं. सो दिस आई एम गोइंग टू यूज़ ऑन द टॉप पार्ट ओवर हियर, बिकॉज मैक्सिमम शॉक्स और वाइब्रेशन का जो इम्पैक्ट होने वाला है इज़ गोइंग टू हैपन बिटवीन द टॉप एंड दिस हैंडल टी टॉप. ओके, एंड दिस इज़ गोइंग टू कम फ्रॉम द बॉटम फॉर सपोर्ट. इसको असेंबल कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ. नाउ दिस इज़ हाउ योर फ्लो इज़ गोइंग टू बी. ये बोल्ट अंदर जाएगा यहाँ से, जैसे मैंने यहाँ से डाला है. उसके बाद ये वॉशर फर्स्ट, उसके बाद सिलिकॉन वॉशर. ओके, ये इतना असेंबल रेडी हो गया है. उसके बाद ये असेंबली विल गो इनसाइड फ्रॉम हेयर, अंदर जाएगी. उसके बाद नीचे से ये रबर फर्स्ट आएगा, देन दिस कप वॉशर एंड देन दिस नाइलो लॉक बोल्ट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट असेंबलिंग. सो ये मैं दोनों अंदर डाल देता हूँ यहीं पे, एंड साइड बाय साइड आई विल पुट इट इनसाइड. ये कुछ ऐसे यहाँ पे बैठेगा. ओके, अब मैं दूसरा डाल के
टाइट कर देता हूँ. नाउ दिस सिलिकॉन वॉशर इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प बैलेंस दिस एज. ये जो एज है हमारा पुराने हैंडल का एंड ये फ्लैट सर्फेस. आई नॉट टच दिस सर्फेस बिकॉज अगर मेरे को पुराना हैंडल वापस डालना है तो आई कैन स्ट्रेट अवे फिट ऑन दिस थिंग. अदरवाइज आइडली इट विल बी गुड टू फ्लैटन दिस आउट. बट उतना खेल हमको करना नहीं है, उतना आर एन डी हमको करना नहीं है. सिलिकॉन वॉशर्स रबर वॉशर्स बीच में डाल दो एंड आपकी असेंबली शुड बी रेडी टू बी इंस्टॉल्ड. अब इसको टाइट करने के लिए फ्रंट खोलना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव एक्सेस टू बोल्ट्स फ्रॉम हियर. सो वंस आई हैव डन दैट आई विल कंटिन्यू. आई हैव रिमूव्ड द फ्रंट हेडलाइट एंड आई हैव ऑल्सो एडेड वन ऑफ द नट्स एंड बोल्ट्स वॉशर्स एंड दिस इज द सेकेंड वन दैट विल हैव टू गो इनसाइड. ये मेरा सिमटेक का फ्लैशर है बाय द वे. इसका वीडियो ऑलरेडी आपने देख लिया रहेगा मेरे चैनल पे. तो ये रबर हैज टू गो हियर देन दिस वॉशर एंड देन दिस वन. पुट्स द नट्स रबर्स सिलिकॉन एट टॉप एवरीथिंग इन इस प्लेस. आपको जो जहाँ से मिले आप यूज़ कर सकते हैं. रबर बहुत ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएंगे किसी भी यू नो टू व्हीलर एक्सेसरी शॉप वगैरह में ना आपको मिल जाएंगे. तो आप स्ट्रेट वहाँ पे जाके ये वीडियो में जाके फोटो दिखा के आप रबर्स ले सकते हैं. ये वाले सिलिकॉन आपको ईजिली नहीं मिलेगा. ये मेरे जाना के साथ क्रैश गार्ड के साथ आया था. हैंडल बार बेस लग चुका है, अभी पूरा टाइट हो चुका है. नीचे से मैंने दोनों नट्स टाइट कर दिए ऊपर से एलन डाल के. सो ये अभी परफेक्ट फिट हो गया. ये जो बोल्ट्स है लॉन्ग रन में रस्ट होते हैं सुपरफिशियली, अंदर से नहीं होंगे. ये हमने एक्सपीरियंस किया है जब हैंडल बार रेजर वगैरह हम चेंज करते थे या फिर उसके बोल्ट्स लगाते थे तब दिखता था. सो इफ़ यू कैन गेट SS बोल्ट्स फ्रॉम समवेयर ऐसे ही हाफ थ्रेड वाले तो गेट दोस, दैट विल लास्ट लॉन्गर. फाइनली द मेन गेम इज़ आउट. दिस इज़ द न्यू हैंडल, डोमिनार का है. दिस वी गोइंग टू प्लेस हियर एंड टाइटन इट एंड देन ऑल्सो ऑब्वियसली अरेंज इट इन अ राइट पोजिशन. तो इसको टाइट करने का इसका ये पोजिशन है. यू हैव टू कीप इट इन दिस मैनर एंड पुट दी फोर बोल्ट्स. ये जो चार बोल्ट्स है ये आपको लगाने पड़ेंगे. इसको स्टार्टेड इन द क्रॉस फैशन ये पूरा असेंबल करने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ आपके लिए. सो वी हैव डन द होल्स ओवर हियर टू मैच द राइट साइड सेक्शन. नाउ Apache has it on the top side, Dominar has it on the bottom side. ये रहा एंड इधर भी हमने होल किया है. थोड़ा हैंडल ख़राब हो गया बट आई एम फाइन विद दैट. एटलीस्ट होल्स आर डन एंड दिस होल्स आर डन अकॉर्डिंग टू माई एंगल एंड वॉट आई वॉन्ट. सो ये आप लोग आपके हिसाब से स्विचेस आपको किस एंगल में चाहिए कैसे चाहिए वो मैच करके आप होल कर सकते हो. सो नेक्स्ट वील स्टार्ट असेंबलिंग एवरीथिंग. सब कुछ रेडी हो गया है. एक्सीलेटर केबल मैंने यहाँ से राउट किया है अभी. ओके पहले एक्सीलेटर केबल यहाँ से आके इधर से ऐसे जाती थी तो अभी उसके बदले मैंने यहाँ से राउट किया है बिकॉज वो शॉर्ट पड़ रही थी. नाउ वी हैव इनफ एक्सीलेटर केबल. सेकेंडली ऑल दी सॉकेट्स वर यू नो इन द जिप टाई ओवर हियर एंड हियर तो वो मैंने तोड़ दिया है बिकॉज सॉकेट्स का लेंथ भी कम पड़ रहा था दोनों साइड पर. जो वायर की केबल की लेंथ है ये कम पड़ रही थी तो अभी ये भी इनाफ है बिकॉज अदरवाइज ये यहाँ पे अटक रहा था. वी फिनिश्ड ऑल द इंस्टॉलेशन. आई हैव ऑलमोस्ट रिडन मे बी 7-8 किलोमीटर्स नाउ. आई विल राइड दिस बाइक फॉर अनदर मे बी 100 किलोमीटर्स और सो. उसके बाद ही ऑफ कोर्स आपको वीडियो दिखेगा. फिलहाल के लिए आई एम एंजॉयिंग द पोजिशन. इट इज़ लिटिल मोर अपराइट. दिस सेक्शन इज लिटिल मोर अपराइट दैन द स्टॉक वन. We measured like it is 1/2 inch to 1 inch higher this one, this position than the stock position. And plus this angle is slightly more raked. So I'm finding it little more comfortable or maybe I'm more used to the Dominar. Last 5 years I'm riding the Dominar. So maybe I'm used to this angle because 17 and 19 Dominar both have the same handle and it's the same angle. So overall it is a nice feel, nice grip on the new handlebar. Bike for around 350 kilometers now and returning from Bombay. Ab tak to kidhar issues nahi hai, pothole utol sab kuch ja ke aaya hai, everything's perfectly fine. So you guys can follow this procedure, make sure everything is perfectly done. Baki kya, enjoy your ride, like, share, subscribe and do let me know your feedback in the video comments. Thanks for watching. See you in a new video very soon.